गुड मॉर्निंग माय चिल्ड्रेन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल एट योर होम। सो टुडे वी विल सॉल्व क्लास फिफ्थ एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन नंबर नाइन है आपका। एट तक मैंने आपको कंप्लीट करा दिया है। इन आ लकी ड्रॉ प्रशांत गॉट टू हाउसेस, वन फॉर 10,45,000 एंड द अदर फॉर 15,50,980। फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ हाउसेस। एक लकी ड्रॉ में प्रशांत को दो हाउसेस प्राप्त हुए। वन फॉर एक की वैल्यू थी कितनी, 10,45,000, और अदर की वैल्यू थी, सेकंड हाउस की वैल्यू, 15,50,980। अब ये कह रहा फाइंड द टोटल वैल्यू ऑफ बोथ ऑफ द हाउस। जब आप टोटल पढ़ते हो तो अभी तक आपको मैंने, यदि जो शुरू से मैथ पढ़ाई है, मैंने प्रीवियस क्लास में भी आपको मैथ पढ़ाई है, तो मैंने कीवर्ड कई आपको वर्ड प्रॉब्लम की बता रखी कि टोटल है तो प्लस करो, है ना, ऑल टुगेदर है तो प्लस करो। तो ये आपका क्या दिया गया, टोटल। तो आपको टोटल वैल्यू निकालनी है बोथ ऑफ हाउस, ठीक है, दोनों हाउसों की। फिर सेकेंड इसे में बोलता है, इसका सेकेंड पार्ट, बाई हाउ मच वॉज द सेकेंड हाउस मोर एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट हाउस। मतलब सेकेंड हाउस कितना एक्सपेंसिव है फर्स्ट हाउस से। ये तो बोल रहा है कि एक्सपेंसिव है, इसकी कीमत ज़्यादा है, हमको पता चल रही है इसकी कीमत कम है। एक्सपेंसिव तो है बट मोर देन, कितनी ज़्यादा है, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट सॉल्यूशन। वैल्यू ऑफ फर्स्ट हाउस रुपए 10,45,000, वैल्यू ऑफ सेकेंड हाउस रुपए 15,50,980। अब आपको क्या करना है, टोटल वैल्यू ऑफ बोथ हाउसेस आप प्लस करेंगे, 0 0 8 9 5 4 5 9 5 1 1 2। तो आपको टोटल वैल्यू ऑफ बोथ हाउसेस क्या मिली, 25,95,980 रुपए, ओके। देन सेकेंड पार्ट, अब आपको फर्स्ट हाउस की वैल्यू है आपकी 10,45,000 और सेकेंड हाउस की वैल्यू है 15,50,980। अब दोनों हाउस की आपको वैल्यू दी गई है, अब आपको निकालना कितना एक्सपेंसिव है सेकेंड हाउस। तो आपको कितना ज़्यादा एक्सपेंसिव है तो क्या करना पड़ेगा, अपने आप समझ में आ रहा है कि आपको सब्ट्रैक्ट करना है। तो सो वैल्यू ऑफ सेकेंड हाउस, आपको पता है जब हम सब्ट्रैक्शन करते हैं तो बड़ा नंबर क्या होता है, ऊपर आता है। तो 15,50,980, वैल्यू ऑफ फर्स्ट हाउस 10,45,000, आप सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, 0 0 8 9, आप 0 में 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, नॉट पॉसिबल, बगल से उसने कैरी लिया, ये 4 हो गया, ये हो गया 10, 10 में 5 सब्ट्रैक्ट हुए 5, 4 में 4 सब्ट्रैक्ट हुए 0, 5 का 5 और 1 में 1 सब्ट्रैक्ट हुए 0। तो सेकंड हाउस मोर एक्सपेंसिव देन द फर्स्ट हाउस, ठीक है, देन द फर्स्ट हाउस, ये आपका निकल आया। अब आप लिख देंगे सो द वैल्यू ऑफ 5,05,980 द सेकंड हाउस मोर एक्सपेंसिव द फर्स्ट हाउस। अब आपका नेक्स्ट है, कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, आपको एमसीक्यू गिवन है, टेक द करेक्ट ऑप्शन। फर्स्ट नंबर है द नंबर टू एडेड इज कॉल्ड, ठीक है, एडेंट सम मल्टीपल, तो इसका टेक करेक्ट आंसर क्या है, एडेंट,